विद्यार्थियों, जोबनेट पीजी महाविद्यालय ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना की वजह से जो कॉलेज शिक्षा, स्कूल शिक्षा भी प्रभावित हुई है, तो हम कई दिनों से क्लासें रेगुलर ले रहे हैं। तो आज बीएससी पार्ट थर्ड में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर। कि फ्लावर का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, पुष्प का विकास कैसे होता है, पुष्प के बारे में संपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करेंगे। पुष्प की संरचना कैसी होती है, पुष्प में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं और पुष्प के जो मुख्य जो भाग हैं उन सभी भागों का क्या कार्य होता है, उन सभी के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, अर्थात पुष्प का विकास या प्रवर्धन जो कैसे होता है। तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे स्टार्स बर्गर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पुष्प के जनन और जो पुष्प का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। स्टार्स बर्गर ने बताया कि नर और मादा दोनों युग्मकों के फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा जो बनता है उसे हम जायगोट या युग्मक कहते हैं। और युग्मक से किसका निर्माण होता है, युग्मरज होता है। अर्थात निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर एवं मादा दोनों युग्मकों का संयोजन होता है और संयोजन होने के पश्चात जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, जायगोट या युग्मरज कहते हैं। स्टार्स बर्गर ने ये बताया। उसके बाद में हम बात करें थियोफ्रेस्टस के बारे में। आप जानते हो कि थियोफ्रेस्टस एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको हम आज वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से भी जानते हैं। थियोफ्रेस्टस ने अपनी संपूर्ण जीवन के जो अहम जो पल है, अहम जो समय था, उन्होंने वनस्पति विज्ञान हेतु दान कर दिया। अर्थात कहने का मतलब है जिंदगी के बहुत सारे जो समय था उन्होंने केवल पेड़ पौधों की रक्षा, पेड़ पौधों की जानकारी, अनुसंधान कार्य और लैब में उन्होंने ये जो समय बिताया है, इसी कारण से आज हम थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जानते हैं। तो थियोफ्रेस्टस ने बताया कि जो संपूर्ण जो पुष्प की जो संरचना होती है उस पुष्प में अनेक भाग पाए जाते हैं और वे सभी जो भाग होते हैं उन सब भागों का अलग अलग कार्य होता है और सभी भागों के अलग अलग कार्यों की वजह से पुष्प को एक रूपांतरित पर्व के रूप में भी जाना जाता है। ये सबसे पहले किसने बताया, थियोफ्रेस्टस ने बताया। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जो डेवलपमेंट ऑफ जो फ्लावर है वो किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैलेक्स। कैलेक्स का मतलब होता है बाह्य दल। हमने पहले पिछली कक्षाओं के अंदर हमने जो विभिन्न प्रकार की जो फैमिलीज पाई जाती है, जैसे क्रोसिफेरी है, मालवेसी है, कुकरमिटेसी है, लेबियेसी है, ग्रेविनी है, सोलेनेसी है, तो इन सभी जो फैमिलियां हैं, इन सभी प्रकार की फैमिलियों में हमने पुष्प चित्र की संरचना का अध्ययन किया था और उसको विस्तार पूर्वक चर्चा भी की थी। तो आज हम सबसे पहले हम बात करते हैं जो पुष्प का जो डेवलपमेंट होता है, उस पुष्प के डेवलपमेंट में सबसे जो बाहरी जो भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैलेक्स। कैलेक्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज कहते हैं। और बाह्य दलपुंज जो होता है और उसका जो आधारित जो भाग होता है उस भाग को हम क्या बोलते हैं, पेडिकल बोलते हैं। उस भाग को हम क्या बोलते हैं, पेडिकल के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि पेडिकल क्या होता है। पेडिकल एक वह भाग होता है जिस पर पुष्प जुड़ा होता है, लगा होता है, अर्थात पुष्प का जो आधारित जो भाग होता है उसे हम पुष्प वृंत या पेडिकल के नाम से जानते हैं। इस संपूर्ण ये जो भाग है इसके ऊपर ये सारी जो पुष्प की जो संरचना है
वो सारी संरचना इस पेटिकल पार्ट के ऊपर जमा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पुष्प व्रंथ बोलेंगे। उसके बाद में जो पुष्प व्रंथ के बाद में हम बाह्य दल, तो बाह्य दलपुंज की जो जो बाह्य दलपुंज है, ये बाह्य दलपुंज पेटिकल की के पास में जो ये चार जो संरचनाएं पाई जा रही है, इन संरचनाओं को क्या बोलते हैं हम, बाह्य दलपुंज बोलते हैं। ये जो बाह्य दलपुंज जो होता है, ये बाह्य दलपुंज मुख्यतः है, ये बाह्य दलपुंज है, ये बाह्य दलपुंज मुख्यतः हरे रंग का होता है। बाह्य दलपुंज कौन से रंग का होता है, हरे रंग का होता है। तो इसमें हम लिखते हैं कि बाह्य दलपुंज का जो रंग है वो क्या होगा, हरा रंग होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि बाह्य दलपुंज हरा रंग है तो इसका कार्य क्या होगा, तो मुख्यतः क्या होता है, इसका कार्य जो होता है पुष्प के आंतरिक जो भाग है उनकी रक्षा का इसका कार्य होता है। तो ये पुष्प के जो आंतरिक जो भाग हैं, उन आंतरिक भागों की सुरक्षा का कार्य करता है, आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। कौन सा भाग करता है, बाह्य दलपुंज करता है। अभी मैंने बताया कि बाह्य दलपुंज को हम कैलिक्स के नाम से जानते हैं, इसका रंग कैसा होता है, वो हरा होता है, और इसका जो कार्य क्या होता है, वो आंतरिक भागों की सुरक्षा करना इसका मुख्य कार्य होता है। उसके बाद में हम बात करें कि क्या रंगीन भी बाह्य दलपुंज होते हैं। हाँ, कुछ फैमिली ऐसी होती है, जैसे हम बात करें ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस आपने नाम सुना होगा, पुष्प है। इस ग्लेडियोलस जो पुष्प है उसके बाह्य दलपुंज क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। अब बाह्य दलपुंज रंगीन होंगे तो इनका कार्य भी कुछ अलग होगा। वो कार्य अलग क्या होगा कि जो प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो पुष्पीय पादप हैं, उन पुष्पीय पादपों पर पराग कण ले जाने वाले कीट बैठते हैं, और वो पराग कण ले जाने वाले कीट एक रंगीन जो रंग होता है उसको ये अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो कहने का मतलब बाह्य दलपुंज यदि रंगीन पाए जा रहे हैं, जैसे ग्लेडियोलस पुष्प है उसके रंगीन बाह्य दलपुंज पाए जा रहे हैं, तो वो उनका जो कार्य क्या होता है, पराग कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे हम बात करें कि कोई भी, जैसे बाजार में हम जो मक्खी मच्छर होते हैं वो रंगीन, जैसे पीले है, लाल है, गुलाबी है, नीला, ऐसे रंगों पर ज्यादा बैठता है। उसका कारण ये है कि ये क्या है, जो रंगीन जो पुष्प होता है या जो रंगीन जो कलर होता है वो अपने आप में आकर्षित होता है, और इसी आकर्षण के कारण ये क्या होता है, ये जो पराग कीट होते हैं वो इसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो ये अपना जो बाह्य दलपुंज है, बाह्य दलपुंज जो है वो कंप्लीट हो गया। बाह्य दलपुंज, ये बाह्य दलपुंज है, बाह्य दलपुंज, बाह्य दल, इसको हमने क्या नाम दिया है, कैलेक्स, ये कैलेक्स है। उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरा जो पार्ट है वो है कोरोला। कोरोला को हम क्या बोलते हैं, दलपुंज बोलते हैं। साइंस के प्रतीक की बात करें तो कोरोला को हम क्या बोलते हैं, दलपुंज कहते हैं। अब दलपुंज बाह्य दल, ये जो बाह्य दल है, इन बाह्य दलों के पास में क्या पाए जाएंगे, दलपुंज पाए जाएंगे। बाह्य दलों के पास में क्या पाए जाएंगे, दलपुंज पाए जाएंगे, आंतरिक छोर पर व्यवस्थित होंगे। अब बात करते हैं ये जो दलपुंज होंगे, ये मुख्यतः अभी हमने बताया कि बाह्य दलपुंज जो होते हैं वो हरे रंग के होते हैं, परंतु दलपुंज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। दलपुंज कैसे होंगे, वो रंगीन होंगे, रंगीन होंगे। अब रंगीन का ये है कि ये कौन कौन से रंग हो सकते हैं, जैसे पीले भी हो सकते हैं, गुलाबी भी हो सकते हैं, नीले हो सकते हैं, और लाल हो सकते हैं। ये विभिन्न प्रकार के जो रंग हैं, इन रंगों में व्यवस्थित होते हैं। रंगीन जो दलपुंज होते हैं ये पीले हो सकते हैं, गुलाबी हो सकते हैं, नीले हो सकते हैं, और लाल रंग के हो सकते हैं। तो इनका कार्य क्या होगा, ये कार्य क्या होगा इनका, पराग कीटों को, पराग कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना, अपनी ओर आकर्षित करना, आकर्षित करना। तो अभी मैंने बात की थी कि जो कुछ
पुष्प होते हैं जिनका जो बाह्य दलपुंज होता है वो भी रंगीन होता है, परंतु अधिकांश जो पुष्प होते हैं उनका बाह्य दलपुंज क्या होता है, हरे रंग का ही होता है। तो हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल दलपुंज की। तो दलपुंज जो ये जो बाह्य दलपुंज है, बाह्य दलपुंज के आंतरिक छोर पर ये जो पाए जा रहे हैं वो कैसे हैं, ये दलपुंज पाए जा रहे हैं और ये क्या है, ये दलपुंज है, दलपुंज है। दलपुंज को अभी हमने इंग्लिश में क्या बोला है, कोरोला बोला है। तो दलपुंज को कोरोला बोला है। जो इनका जो रंग होता है वो पीला, गुलाबी, नीला और पराग कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है, जो विभिन्न प्रकार के जो पराग कणों को लाने वाले जो कीट हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने का जो कार्य है वो कौन करता है, दलपुंज करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि दलपुंज का रंग कैसा होता है, रंगीन होता है। इस कारण से इनका जो मुख्य कार्य क्या होगा, रंगीन जो मुख्य कार्य होगा पराग कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना। उसके बाद में हम तीसरे पार्ट की बात करते हैं, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम को क्या बोलते हैं, उमंग कहते हैं। अब हम जानते हैं कि पुष्प का जो तीसरा जो भाग है वो क्या कहलाता है, उमंग कहलाता है। और उमंग की हम बात करें तो कोई भी फैमिली का जब हम पुष्प का जो प्रवर्धन पढ़ते हैं, पुष्प की संरचना पढ़ते हैं, पुष्प का चित्र जब बनाया जाता है, तो उमंग में हम किसकी गणना करते हैं, पुंकेसरों की गणना करते हैं। अब उमंग में हम महत्वपूर्ण जो बात करते हैं कि उमंग में एक महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो क्या होता है, पुंकेसर होता है। कौन सा भाग होता है, पुंकेसर होता है। परंतु यदि हम बात करें ये ऐसी इसकी संरचना होती है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो ये जो पहला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं इसको, एंथर। एंथर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, पराग कोश, पराग कोश, ये पराग कोश कहते हैं। अब पराग कोश में कितनी पालियां पाई जाती है, एंथर में टोटल जो पालियां होती है वो चार होती है, और चारों पालियों को जोड़ने के लिए एक मुख्य भाग जो होता है उस भाग को क्या बोलते हैं, योजी कहते हैं। उस भाग को हम क्या बोलते हैं, योजी कहते हैं। योजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी। अब देखो नाम से ही हमारे को ज्ञात हो रहा है कि कनेक्ट यानी क्या होता है, जोड़ना। अर्थात कहने का मतलब यह है कि एंथर में पाए जाने वाली चारों पालियों को जो जोड़ने का जो कार्य करेगा वो कौन करेगा, वो योजी करेगा, यानी कि कनेक्टिविटी करेगा। अब ये जो योजी है इसको, इसका कार्य क्या हो गया कि पराग कोश में पाए जाने वाली चारों पालियों को जोड़ने का कार्य करता है। अब संपूर्ण ये जो पराग कोश के आधारित भाग से एक धागे नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है, इस धागे नुमा संरचना को क्या बोलते हैं, फिलामेंट। इसको क्या बोलते हैं हम, फिलामेंट। फिलामेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, पुतंतु। तो ये पुतंतु, अब पुतंतु का महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ कि संपूर्ण पराग कोश की संरचना को आधार प्रदान करने का जो कार्य करता है वो कार्य कौन करता है, फिलामेंट, यानी कि पुतंतु। और पुतंतु की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, पतली धागे नुमा संरचना होती है। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, एंड्रोसियम ये हो गया। और उसके बाद में ये आपको संरचना दिखाई दे रही है, संपूर्ण संरचना का मैंने विस्तार पूर्वक अध्ययन बता दिया आपको उमंग का। उसके बाद में हम जो चौथा जो पार्ट है उसकी बात करते हैं हम, जायांग। जायांग जो है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। गाइनोसियम, गाइनोसियम ये आपको ये अंदर वाली ये जो संरचना दिखाई दे रही है उसको, ये अपने क्या हो गया, एंड्रोसियम हो गया। एंड्रोसियम इसका मतलब क्या हो गया, उमंग हो गया। उसके बाद में हम बात करेंगे जायांग की, ये जायांग हो गया संपूर्ण संरचना। संपूर्ण संरचना जायांग को हमने क्या बोल दिया, गाइनोसियम बोल दिया। तो ये संपूर्ण संरचना जायांग हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं जायांग की संरचना। जायांग का डायग्राम भी मैं इधर बना देता हूं।
त्रिज्यायन का ये जो डायग्राम है वो ऐसे बनेगा। अभी हमने जो कुतंतु है, योजी है और इसके अलावा एंथर है, इस संरचना को देखा है। तो ये जो संरचना है ये किसकी संरचना है? ये अपने संपूर्ण जायान की संरचना है। जायान में सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है उस भाग को हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। स्टिग्मा को क्या बोलते हैं? वृत्तिकाग्र। वृत्तिकाग्र इसको हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद में नीचे वाला जो पार्ट है, बीच में ये जो नलिका रूपी जो खोखली जो संरचनाएं पाई जाती है, उस खोखली संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। स्टाइल। स्टाइल को क्या बोलते हैं? वृत्तिका। हिंदी में क्या बोलते हैं? वृत्तिका। और लास्ट में ये जो गुंडी नुमा जो गोलाकार जो संरचना पाई जा रही है, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? अंडाशय। अंडाशय को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओवरी। ये अंडाशय हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि जो जायांग में जो संरचना, संपूर्ण जो संरचना पाई जाती है, वो तीन संरचनाएं पाई जाती है। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो स्टिग्मा कहलाता है, ये स्टिग्मा है। उसके बाद में नीचे जो नलिका रूपी जो खोखली जो संरचना पाई जाती है उसको हम स्टाइल कहते हैं। और उसके बाद में नीचे की ओर जो ओवरी अर्थात अंडाशय पाया जाता है। अब ये जो अंडाशय होता है, ये अंडाशय कई प्रकार का होता है, जैसे एक अंड भी होता है, द्वि अंड भी होता है, बहु अंड भी होता है। अलग अलग फैमिली में अलग अलग प्रकार का अंडाशय पाया जाता है। और अंडाशय के आंतरिक छोर पर क्या होते हैं? अंडक व्यवस्थित होते हैं। तो इस प्रकार ये जो संपूर्ण जो पुष्प की जो संरचना होती है, इस संपूर्ण पुष्प की संरचना में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, इसमें मुख्यतः चार भागों का आज हमने अध्ययन किया है। सबसे पहले हम यदि बात करें तो पुष्प जो व्यवस्थित होता है वो कौन से पार्ट पर व्यवस्थित होता है? पेडिकल। पेडिकल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पुष्पीय ग्रंथ कहते हैं। उसके बाद में हम बात करें पुष्प का सबसे बाहरी जो भाग होता है वो हरे रंग का होता है, उसको हमने क्या बोल दिया? बाह्य दलपुंज बोल दिया। उसके बाद में हम दलपुंज की बात करें तो दलपुंज का रंग कैसा होता है? रंगीन होता है, नीला, गुलाबी, पीला, लाल, कैसा भी हो सकता है, क्योंकि ये क्या करता है? बाहरी जो पराग कीट होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए इसको हम क्या ये आकर्षण का कार्य करता है दलपुंज। उसके बाद में कोमंग। कोमंग में क्या होता है? हमने अभी तीन संरचनाएं बताई है, फिलामेंट, कनेक्टिविटी और एंथर। एंथर ये जो भाग होता है, एंथर ये भाग मुख्यतः जनन में सहायक होता है। और इस भाग में क्या होता है? इसमें चार योजियां पाई जाती है, पालियां पाई जाती है। इन चारों पालियों को जोड़ने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? योजी करती है। और इसका जो संपूर्ण जो एंथर होता है उसको आधार कोण प्रदान करता है कुतंतु, यानी कि फिलामेंट इसको आधार प्रदान करता है। उसके बाद में जो चौथा जो भाग है वो जायांग है। ये पुष्प में जायांग सबसे आंतरिक भाग है, इसको यहाँ पर हम विस्तार पूर्वक देखते हैं। इसके भी तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा यानी कि वृत्तिकाग्र, स्टाइल यानी कि वृत्तिका, और ओवरी यानी कि अंडाशय। स्टिग्मा क्या करता है? बाहरी जो पराग कीट जो लाते हैं, एंथर जो इत्यादि होते हैं, उनको यहाँ पर डालते ही स्टिग्मा इसको आधार प्रदान कर देता है। और फिर ये वृत्तिकाग्र की सहायता से धीरे धीरे अंडाशय तक पहुंच जाता है। और अंडाशय तक पहुंच कर एन प्लस एन ये बराबर क्या हो जाता है? 2N, यानी कि ये किसका निर्माण कर लेते हैं? ये जायगोट का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार ये क्या होता है? पुष्प में निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो आज हमने पुष्प का डेवलपमेंट पढ़ा है। अगली क्लास में हम एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को